Hey guys, back to the अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई 15,000 सब्सक्राइबर्स के मैं बहुत करीब आ चुका हूं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव इंट ऑलरेडी एंड साथ ही साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट और देके जाता हूं कि मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं तीन तीन गिव अवे करने वाला हूँ जर्सी होगी और यूरो होंगी तो उसका गिव अवे तो अब तक मेरे को नहीं किया तो इंतजार कर रहे हो सब्सक्राइब करो और भाई गिव अवे के विनर बन जाओ यारिव अवे की डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आई डी पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन जाके मेरे इंस्टा को भी फॉलो करो लेकिन भाई अब बात करते हैं अबाउट द टॉपिक लेट्स टॉक अबाउट रिया मड्रेड वर्सेज बायिक क्या करना पड़ेगा रियल मड्रिड को टू विन द मैच अगेंस्ट हर एक चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे मेरे पास पॉइंटर है है वीडियो लंबा होने वाला है. इस वीडियो को तक जरूर देखना भाई सबसे पहले बात करता हूं क्या ऐसी चीज है जो मड्रिड को करनी पड़ेगी टू गेट एब्सोल्युटली राइट अगेंस्ट बैन मिनिक तो भाई जब हमने मैच शुरू करा था इन द फर्स्ट लेग अगेंस्ट बैनमिनिक मड्रिड वर डिफेंडिंग एंड स्टेइंग इन अ फोर फोर टू विदाउट द बॉल की थिंग टू बी नोटिस्ट फोर फोर टू फ्लैट विदाउट द बॉल जहां पर रोड्रिगो लेफ्ट विंग पे था वेलवोर्डे राइट हैंड साइड पे था और क्रूस और चुआमिनी मेन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स या फिर अब होल्डिंग मिडफील्डर वाला जो रोल होता है वो उसको प्ले कर रहे थे जहां पर वो मार्क कर रहे थे आपके डबल पेविट को भी और साथ ही साथ देवर प्लेयर्स ठीक है करते हैं, वो काफी क्रुशल रहता है फॉर आर डिफेंसिव स्ट्रक्चर एंड डिफेंसिव डिसिप्लिन तो वो करना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी होगा वी हैव टू स्टे कॉम्पैक्ट एट एनी गिवन मोमेंट हम जरा सा भी खुल नहीं सकते वी कैनॉट वाइडन आर अप्रोच बिकॉज अगर हमने वो

रियल ने दो ट्रॉफी जीती है बाइन ने एक भी नहीं जीती है तो दे माइट वॉन्टेड मोर ठीक है तो उसके लिए दे आर गोइंग टू गो ऑल आउट बिकॉज यार हैव एनीथिंग टू लूज टू बी वेरी ऑनेस्ट तो यहाँ पर एट द बर्न वो हाई प्रेसिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे हमें कॉम्पैक्ट रहना है विद आर अप्रोच विद आर स्टाइल दूसरा जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा दैट स्टार्ट एडुआडो कामाविंगा मेरे ख्याल से very, very भाई. अगर मैं को कर रहा हूं और एक लोन वाली अप्रोच दे रहा हूं यहाँ पे, उसका सिर्फ एक मतलब होगा ड्यूरिंग द गेम कामाविंगा एंड बालवे बॉल प्रोग्रेशन करेंगे सेंट्रली जिसके वजह से बाइंग विनिक को यहाँ पर हर्ट होगा मैंने काफी सारे मैचेस में एंड इनफैक्ट इवन द लास्ट मैच अगेंस्ट स्टूड ये काफी एविडेंटली नोटिस करा है सेंट्रली सेंट्रली पिटती है है भाई और अगर आपके पास मिडफील्डर जो कि बॉल 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 चला सकते हैं, ball बहुत क्विकली रिकवर करके, प्रोग्रेस करके, करके, कर तो आपको कामावेगा को राइट right पेविट पे खिलाना पड़ेगा और शायद से क्रूज खेलेंगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक एंड वेरी एफिशिएंट एंड को डिफरेंट फैक्टर

ये वन बी वन इंडिविजुअली इतने सॉलिड हैं एंड एट द सेम टाइम उनके फुलबैक्स बैक्स वन वी वन डिफेंडिंग में इतने पुअर हैं इस चीज का फायदा हमें उठाना पड़ेगा जो हमने सेकंड हाफ में ऑफ द फर्स्ट लेग उठाया था एंड इसके वजह से मैजरोय और केमेज दोनों ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे भाई तो मेरे को तो लगता है कि उनके फुल को हमें ऐसी सिचुएशंस में लाना पड़ेगा जहां पर वन वी वन हो विद विनिशियस एंड रोड्रिगो एंड यहां पर मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि क्या रोड्रिगो को मैं लेफ्ट पे खिलाऊंगा या फिर मैं रोड्रिगो को राइट right पे खिलाऊंगा ताकि वो माजरो बैक पे यानी कि अल्फोंसो जिसको वो अटैक कर सके तो यहां कॉम्बिनेशन दिमाग में लगाना पड़ेगा बैठाना पड़ेगा चौथा पॉइंट मेरे थर्ड पॉइंट से काफी रिलेटेड है भाई यहां पर मैं बोलना चाहूंगा दे हैव अ वीकर डिफेंस के डिफेंस को हम भाई बहुत अच्छी तरीके से पीट सकते हैं बिकॉज देखो मथाइस ड्रेट ट्रेनिंग इंडिविजुअली मथाइश डेलेट जो है वो इस समय इंडिविजुअली ट्रेन कर रहा है एंड ही इज नॉट ट्रेनिंग विद द ग्रुप वो मैच फिट नहीं है ना ही वो मैच रेडी है भाई तो इस चीज का फायदा हम बहुत अच्छी तरीके से उठा सकते हैं क्योंकि अगर मथाइश डेलेट खेलते भी हैं अगेंस्ट रियाम दैट टू एट दर्ण बहु वहां पर थिंग्स कैन नॉट गो राइट फॉर मैथाइज भाई बिकॉज देखो उसके पास उतनी वो यू you नो know, उतनी वो एनर्जी नहीं है ना ही वो मैच फिटनेस है जिसके वजह से वो जीत पाए इस मैच को साथ ही साथ जहां पर मेरा दूसरा पॉइंट है एरिक डायर और गरेरो को भी इंजरीज हुई भी हैं हमने देखा है बाइंड मीने के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस में ये सीजन रफाइल गरेरो को स्टार्ट मिली हुई है एंड विद रिस्पेक्ट टू एरिक डायर हमने देखा था यार फर्स्ट लेग में कितने इंपॉर्टेंट थे एरिक डायर बाइंड मिन के लिए स्पेशली वेन कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड एंड जिस तरीके से वो अपनी एरियल प्रेजेंस दिखा रहे थे तो यार

वो इसलिए हरेगी बिकॉज हमने किए होंगे, पर उनका जो डिफेंस है ना काफी काफी पुअर है एंड सिर्फ नोयर वो एक ऐसे पिलर है फॉर दैट टीम जो उनको संभाल के रखेंगे डिफेंसिवली बाकी उनका पूरा डिफेंस इज शेकन अप वेरी वेरी बैडली एंड इट इज नॉट देयर नेचुरल स्टार्टिंग फ्रंट फोर जो खेलेगी पांचवा पॉइंट जो मैं यहां पर यूज करना चाहूंगा सांतियागो बर्नबो का भाई सांतियागो बर्नबो हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशल क्रूशल एटमोस्फेयर है भाई बिकॉज हम जब भी सेकेंड लेग्स देखते हैं एट द बर्नबो मड्रिड हमेशा जीतती है अगर लास्ट टाइम ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी जहां पर मड्रिड सेकेंड लेग हार गई थी एट द बर्नबो दैट वॉज प्रोबेबली ओनली द मैच अगेंस्ट आई उसके अलावा मेरे को पर्सनली कोई ऐसा मैच याद नहीं है जहां पर मड्रिड हार गई हो द सेकंड लेग ऑफ द चैंपियंस लीग इन द नॉकआउट राउंड एट द दर्न ऐसा मैंने पर्सनली काफी कम होते हुए देखा है ना के बराबर ही होता है भाई बिकॉज हमारे फैंस ऐसा चुम्बेश्वर एटमोसफेयर बनाते हैं पूरा मड्रिड वाइट में ढका हुआ हो होगा रूफ फिर से बंद होगी लिटरली इतनी शोर मचेगी फॉर बाय दैट दे विल नॉट बी एबल टू तो कॉन्सेंट्रेट एंड मैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बिलीव करता हूँ नॉकआउट राउंड इन द कप कॉम्पिटिशन भाई वेन इट मैटर्स द मोस्ट

ना तो मैच फिट है ठीक है कुछ कुछ और ना ही उनका फॉर्म है एज सच ग्रेट तो फिर भाई यहां पर इस चीज का तो भाई बिल्कुल भाई बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाना पड़ेगा दिस इज नॉट द बेस्ट बायिकोर्स देपियन रॉयल्टी एंड टू रिस्पेक्टकोर्स आई डू रिस्पेक्ट बायिक बट उनके प्लेयर्स का फॉर्म नहीं चल रहा है भाई एंड इस चीज का फायदा मुझे लगता है मड को उठाना चाहिए सातवां पॉइंट सी सातवां सातवा पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेक करना चाहूंगा दैट इज कि इन ट्रांजेक्शन हम अमेजिंग है हम चुम्बेश्वरी है भाई इेस्पेक्टिव भाई चाहे जो भी टीम सामने हो हमने हर एक टीम को चाहे मैनचेस्टर सिटी हो चाहे बार्सिलोना हो हर एक टीम को इन ट्रांजिशन पेला है भाई बारसा को अगर आपको याद हो हमने सुपर कोपा दे एस्पानिया में दिया था उसमें से दो गोल ट्रांजिशन पे आए थे यहीं पर अगर मैं बात करूं मड्रिड मैन सिटी वाला मैच ठीक है है वहां पर हमने इन ट्रांजिशन गोल मारा है भाई चाहे आप बात कर लो एट ए हाँ या फिर एट द बर्नबाउ हमने इन ट्रांजिशन गोल्स मारे हुए हैं मैं आरबी लेब्सिक वाले मैच की भी बात करूं तो वहां पर हमने इन ट्रांजिशन गोल मारा हुआ है भाई तो इंपॉर्टेंट मैचेस में हम जिस तरीके से डिफेंस टू ऑफेंस करते हैं वो काफी क्रुशल हो जाता है एंड यहाँ पर बैंक भी नहीं कौन दी एंड काउंटर अटैक्स को रोकने में उतनी स्ट्रांग नहीं है ना ही वो उतनी सॉलिड लगती है तो जिस टीम जो यू नो काउंटर अटैक में जनरली स्पेशलिस्ट है अगर वो उनके सामने खेल रहा है ना तो उनको अपनी काउंटर अटैकिंग स्ट्रेटजी का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाना चाहिए बिकॉज़ इनके पास उस चीज का अब तक कोई जवाब नहीं है एंड भाई बाइंग मिनका अगर आपने यू नो स्टार्ट उठा के देख लिया होगा ये सीजन उन्होंने काफ़ी गोल खाए हैं ऑन काउंटर uh, तो ये चीज़ का मर्डट को भाई बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाना चाहिए एंड इनफैक्ट उठाएगी भी भाई तो इन ट्रांजिशन वी आर अमेजिंग हमारे प्लेयर्स का फॉर्म बढ़िया है उनके प्लेयर्स का फॉर्म बढ़िया है नहीं उनके उनको ट्रांजिशन में अच्छी तरीके से इफेक्टिवली रोकना आता नहीं है तो भाई यहाँ पर इट इज़ ऑल विन सिचुएशन फॉर रिया आठवा पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर थोड़ी सी टैक्टिकल चीज़ें हमें बात करनी पड़ेगी दैट इज की एनचुलोटी अपनी गलतियों से सीखता है जो गलतियां उसने फर्स्ट लेग में करी थी वो रिपीट नहीं होंगी इन द सेकंड लेग भाई मुझे तो ऐसा लगता है है ठीक क्योंकि हमने देखा था दैट फर्स्ट लेग में देखो मैं पर ना कंपैरिजन करता हूं। जो पहला लेग था सॉरी जो मैच था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी वहां पर हमने देखा कि सिर्फ हार्लेंड प्रेस कर रहा है मड्रिड के सेंटर बैक्स को यहीं पर बाइन वाले मैच में हम देख रहे हैं दो अटैकर्स हैं दो नंबर नाइन है एक तरीके से फॉल्स नाइन जो भी आपको कहना आप कह सकते हो दो प्लेयर्स हैं जो कि प्रेस कर रहे हैं हमारे दोनों सेंटर बैक्स को तो यहाँ पर मड्रिड का जो बिल्डअप था वो थोड़ा सा इन इफेक्टिव हो रहा था बिकॉज नाचो जो है ही इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेयर ऑन द बॉल तो इसलिए यहां पर मैं ये प्रपोज करता हूं कि आप ऑरेलियन चुआमिनी को रूडेगा के साथ खिलाओ एज सेंटर बैग ठीक है बिकॉज हम सब जानते हैं चुआमनी इज मच मोर कॉन्फिडेंट एंड मच मोर कंफर्टेबल विद द बॉल कंपेयर टू नाचो फर्नाडेस तो इसलिए मैं यहां पर प्रपोज करता हूं कि चुआमनी को सेंटर बैक खिलाओ कामाविंगा को सीडीएम खिलाओ ताकि आपका जो बॉल प्रोग्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो और अगर आपने स्ट्रुट वाला मैच देखा होगा वहां पर सिक्सटी परसेंट पोजेशन लिटरली स्ट्रुट के पास था और बैन के पास फोर्टी परसेंट पोजेशन था तो मैं तो यह कहना कहीं कहूंगा कि आपको पोजेशन में भी डोमिनेट करना चाहिए आपका होम ग्राउंड है आपका होम टर्फ है

यहाँ पर आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता है कि टोनी क्रूज कैन ड्रॉप डीपर एंड बिकम थर्ड सेंटर बैक फर्स्ट लेग में मैंने देखा था कि जो है वो ड्रॉप कर रहे थे, और बन रहे थे वो प्रेस करने जाते हैं सेंट्रली आपके पास एक थर्ड आउटलेट है जिसको आप बॉल प्ले कर सकते हो एंड वो बंदा इतना प्यारा है ऑन द बॉल की वो यार लिटरली पूरा गेम रीड कर सकता है ठीक है ही रीड एंटायर गेम एंड इवन द गेम इन द फ्यूचर भाई मडरिड

आप डिसजॉइंटेड हाई प्रेस नहीं रख सकते मैंने फर्स्ट लेग में बहुत एविडेंटली नोटिस किया था कि मडरेट जो है उनका जो प्रेस है वो काफी डिसजॉइंटेड लग रहा था ठीक है तो इसके लिए बाइन मीने के लिए काफी बार ऐसे मौके बन रहे थे जहां पर <coughs> वो काफी इफेक्टिव हो रहे थे तो आप वो करने नहीं दे सकते उन्हें